खेल रहा है, दोषारोपण कर रहा है, मुद्दे को अवॉइड कर रहा है, हमारे ऊपर दोषारोपण करते हैं हर दिन कि हम अवरुद्ध कर रहे हैं संसद को। मैं बहुत सरलता से और विनम्रता से आपसे कुछ मूल मुद्दे पूछना चाहता हूं, और मुझे वास्तव में विस्मय है इस अजीब दास्तां के विषय में। यह अजीब दास्तां क्या है? हमने एक या दो सरल प्रश्न पूछे हैं जो मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने, हमने यानी विपक्ष के करीब करीब सब हिस्से ने। प्रश्न नंबर 1, क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर नाम की चीज खरीदी थी या उपयोग किया था? इसका आंसर तो यस तो हो सकता है ना। दूसरा प्रश्न, अगर आपने इसका उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के विषय में किया तो उनके नाम बताइए, आपसे मतलब है कोई भी सरकारी एजेंसी। इससे दो ज्यादा सरल प्रश्न नहीं हो सकते। इसका उत्तर आपको 10 उत्तर मिले हैं और 10 उत्तरों में एक भी उत्तर नहीं है। उत्तर क्या मिला है? पहला उत्तर कि यह प्रश्न एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। क्या कॉन्स्पिरेसी है? प्रश्न कॉन्स्पिरेसी है। दूसरा उत्तर कि देश में इस अमुक रूल के अंतर्गत इंटरसेप्शन की अनुमति होती है और सब कानून हमेशा फॉलो होते हैं। तीसरा उत्तर, एमओएस जो नए बने हैं चंद्रशेखर साहब, उन्होंने दिया है, पुराने आईटी मिनिस्टर ने दिया है, करंट आईटी मिनिस्टर ने दिया है, ये बोगस है, होक्स है। ये शब्द मेरे नहीं है, बोगस होक्स उनके शब्द हैं। चौथा उत्तर कि हम इसकी विचार विमर्श संसद के बाहर कर सकते हैं, संसद के अंदर नहीं। इसमें से एक भी मेरा शब्द नहीं है, ये औपचारिक सरकारी शब्द हैं। पांचवा, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इसकी टाइमिंग अति संदेहजनक है, टाइमिंग इज सस्पेक्ट। इस तरह के मेरे पास 10 उत्तर हैं। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न वापस पूछना चाहता हूं। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि आप, और आपका नाम लेके बोल रहा हूं, आज संसद गए कि नहीं, अगर आप उत्तर देते हो कि संसद जाने के कई मार्ग हैं, सभी वैध हैं, दूसरा उत्तर देते हो कि हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार क्षेत्र है कि संसद दरवाजे में जा सकता है, तो हमारे कानून में नहीं, हमारे कॉमन सेंस में कहा जाता है कि ये एडमिशन है कि आप गए थे आज, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे रहे हो। उत्तर बड़ा, प्रश्न बड़ा सरल है, आप आज संसद गए थे कि नहीं, उत्तर है कि नहीं गया था या गया था। उत्तर यहां आ रहा है कि अमुक रूल के अंतर्गत यह अनुमति है कि कानूनी तरीके से इंटरसेप्शन हो सकता है। यह होक्स है, यह कॉन्स्पिरेसी है। मेरे को आश्चर्य है कि इस देश, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र में 125 करोड़ लोगों को यह हक नहीं है कि आपसे ये उत्तर का प्रश्न का उत्तर मांग लें। आप उस उत्तर की जगह हजार सैकड़ों प्रश्न और पूछ रहे हैं, लेकिन एक सरल उत्तर देने में असमर्थ नहीं है, आप उसको छुपा रहे हैं। अगर ये छुपाने की प्रक्रिया नहीं होती तो बताइए कभी हो सकता है? कभी सुना है आपने कि सरकार में, और मैं सरकार का नाम ले रहा हूं, कल एक संसदीय समिति, मैं भी संसदीय समिति का अध्यक्ष रह चुका हूं, 100 वर्ष 200 वर्ष का इतिहास उठा लीजिए अंग्रेजी में, अंग्रेजों का, जहां से संसदीय समिति बनी, 70 वर्ष का हमारा उठा लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा का, कभी ऐसा हुआ है कि 10 लोग, आप 10 संसदीय समिति के मेम्बरान पहुंच जाए समिति में और बोले कि हम तो खड़े हैं, प्रत्यक्ष हमारी सिग्नेचर नहीं ले सकते आप, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। और सिग्नेचर नहीं, हस्ताक्षर नहीं करेंगे का मतलब है कि हम उपस्थित नहीं है, हमारे भूत उपस्थित है, हम खड़े हैं लेकिन हम उपस्थित नहीं है। और उसके बाद हिम्मत देखिए आप, संसदीय समिति होती है सबकी सहमति की चीज, एक जो संसद के अंदर विघटन होता है संसदीय समिति में नहीं होता है। मैं एक सांसद ही के रूप में नहीं, लेकिन एक पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी बोल रहा हूं, उसके सामने हिम्मत हो जाती है अदना अधिकारियों की, 1 घंटे पहले कहना कि हम पहुंचेंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। मैं उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, ये ऊपर वाले बॉसों की इंस्ट्रक्शंस है, जो 2-3 बॉस हैं उनके इंस्ट्रक्शंस है, और ये इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं घबराहट, बौखलाहट और उस प्रक्रिया से कि मुद्दे को छुपाना है। ये ऐसे 5 उत्तर देके
और ऐसी प्रक्रियाएं करके दोस्तों, उसके बाद ये कहना कि गलती हमारी है, हम गणतंत्र में ये नहीं कह सकते कि आप संसद में डिस्कशन तो कर लीजिए कृपया, और उत्तर है कि हम संसद के बाहर करने को तैयार हैं, ये संसद की अवमानना नहीं है। इसको गणतंत्र का मंदिर, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं? यहाँ आप डिस्कस नहीं कर सकते, आपको जो बोलना है कहिए, लेकिन आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में हम आपको पिन डाउन कर सकते हैं, प्रिविलेज हो सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है, आप लुका छिपी कर रहे हैं। और अगर इस कारण से हम संसद को कह रहे हैं बार बार कि आप आज एक मिनट शुरू करिए, उसके बाद बाकी सब काम करिए, तो क्या हम माननीय जेटली जी के गणतांत्रिक प्रक्रिया में ये लाजमी है वाक्य का हम सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं? आपको याद है वो वाक्य नहीं है, पूरा पैराग्राफ है। उन्होंने कहा था कि संसदीय प्रणाली में, गणतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये लाजमी ही नहीं, ये हक है, ये सही है, ये उपयोगी है। ये एक भी शब्द मेरा नहीं है। हम ये कर रहे हैं आज, सिर्फ आपसे डिस्कशन मांग रहे हैं। आपका उत्तर है कि हम डिस्कशन बाहर करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या भारत के संसद को आप तब एक्टिवेट करेंगे जब हंगरी और फ्रांस जैसे देशों में रिपोर्ट आ जाएगी इंक्वायरी की? क्या भारत के संसद की तुलनात्मक रूप से आप धज्जियां उड़ाएंगे जब देश विदेश में ऐसी इंक्वायरियां हो रही हैं, लेकिन आपके सामने हम डिस्कस नहीं कर सकते? इसका एक ही परिणाम, कंक्लूजन हो सकता है। आपके पास छुपाने को बहुत है, आपके पास उत्तर नहीं है, आप डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और इसलिए सबसे अच्छा प्रक्रिया है कि संदेश जो लेके आया है उसके ऊपर गोलियां चलाइए, षड्यंत्र और होक्स जैसे शब्दों का दुरुपयोग करिए और बरगलाइए और मूर्ख बनाइए देश को। फ्रेंड्स, बाय कॉमन सेंस आई एम मिस्टिफाइड एंड आई एम अमेज्ड, एंड आई मस्ट शेयर विद यू बाय व्हाट लॉजिक दिस इज हैपनिंग। आई कैनॉट अंडरस्टैंड, परहैप्स वी आर डिम विटेड एंड ओनली द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट हैज ऑल द इंटेलिजेंस। व्हाई आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स इज that please consider who is running, who is hiding, who is avoiding, who is filibustering. On a simple question, it is the government alone. And ulta chor kotwal ko daante, having done all of this, they are blaming us. Let me give you a simple example. I ask you a question, did you, Mr. So-and-so, go to the parliament today or not? The answer can be only yes I did, no I did not. But your answer is everybody in law is entitled to go to parliament. All Indian citizens have the right to go to parliament. There are four routes to parliament, all are open to every citizen. Now when you give that answer, common sense tells you that you are hiding and that you did go to parliament and did something wrong which you are hiding because you are not answering. What is the question we ask? I cannot imagine the simplest question in the world. Did you acquire Pegasus software and did you use it against any person? And if you did, please disclose their names. You meaning any government agency by whatever name called. Now this question can only be answered by yes or no, and then you can give an explanation. What is the answer you have heard, my friends? You have heard 2, 4, 6, 10 very interesting answers. Answer number one is, ye conspiracy hai, shariyantra hai. This is a conspiracy. Answer number two by the new appointed MOS, Mr. Chandrasekhar, it is a hoax, it's a fraud. Answer number three by Mr. Amit Shah, I question the timing, I suspect the timing. Answer number four, it is done just before parliament session to destabilize the nation. Answer number five, we will discuss it outside parliament, not in parliament. That's an official answer. I'm amazed. We are calling this institution, this building, a temple of democracy for nothing. We are not a parliamentary democracy that you will discuss outside parliament, not inside parliament.
for that basic question, did you acquire Pegasus and did you use it against any persons? Silence. No answer, but no discussion in Parliament. Now, what do we do? In such times, do we catch you by the throat? Do we go to your house and force you to come to this house? I don't want to quote the well-known paragraph, not one line. If this is not a legitimate form of democratic protest, namely protesting inside Parliament, then discuss this first. Then was Mr. Jaitley lying? Was Mr. Jaitley talking of undemocratic, non-legitimate forms of protest? And what is the remedy for 125 crore people of this largest democracy in the world if you say we will discuss outside Parliament or inside Parliament? And then to add insult to injury, you blame us that these parties are obstructing Parliament. I am making a proclamation here. You start the discussion in Parliament today and by tomorrow we will discuss everything else. Why are you avoiding Pegasus? Tell me, friends, have you ever seen any government, much less a government of the pride of a country like India, which is a country which is the world's largest democracy, do what happened yesterday? I have had the privilege of being a former chairman of a parliamentary standing committee. Parliamentary standing committees have been in vogue in England for over 150 years, in India for over 70 years, be it Lok Sabha or Rajya Sabha. I have never seen that 10 people of the ruling party are standing. Forget seen, I have never heard. 10 people of the ruling party are standing and saying we are present, but we are not marking our attendance, so we are absent. So we are present as ghosts in the spirit. And ordinary lowly officials have the guts to tell the parliamentary committee 1 hour before that we will not come. It is collectively for all parliamentarians an insult. It is collectively an insult for all parliamentarians, for the institution of parliament. What is the conclusion, friends? That they are not only hiding, they have much to hide. They have no answers. They have no basis for not having even a discussion inside Parliament. They know that inside Parliament, I will pin you down. You can have privilege motions. You can have other actions. I don't understand how this debate is putting the blame on us. Thank you. I hope I was audible. I was competing with the rain. Yes, sir. Sir, reports that the ISOB private company, Israeli defense ministry is investigating that company. Look, every digressive question will be raised, like the ones being fed now. These are being fed to the media deliberately because you are not, I don't mean you, I mean the government is raising these questions because they want to avoid the real answer, which is, did you acquire Pegasus and did you use it for against anyone? That is the only two questions which are relevant. Whether NSO is wound up, whether shareholding is right or wrong, these are digressive questions. Please answer 1 line, yes or no. अगर खड़गे जी और अधिरंजन जी का इतना आदर है सरकार को, तो खड़गे जी और अधिरंजन जी तो यहाँ खड़े होकर बार बार मांग कर रहे हैं कि पहले पेगासस पार्लियामेंट डिस्कस कर लो। उनकी बात उसके लिए मान रहे हैं, इसके लिए नहीं मान रहे आप। खड़गे जी 3 बार आगे खड़े हो गए आपके सामने। आपको अगर खड़गे जी की दुहाई देनी है तो खड़गे जी की बात भी मान लीजिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एक वक्तव्य दे दीजिए कि पेगासस संसद में विचार विमर्श होगा। आपने ये तक कहा है कि विचार विमर्श होगा लेकिन संसद के बाहर। ममता बनर्जी आ रहा दिल्ली में, आप सोनिया गांधी से मिले।
बातचीतों के बारे में आपसे बात करना सही नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, सोनिया जी और सोनिया जी के साथ कई और विपक्ष के एलिमेंट सब साथ हैं, एकजुट हैं। महाजोत और कोलिशन की बातें अभी आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब साथ हैं, यूनाइटेड हैं इस सरकार के अन्याय के विरुद्ध। ये मूल बात है। You had a question of Congress. What is wrong in the state government ordering an inquiry? As you know, there is a section in the Act which allows you as a central government or me as a state government to order an inquiry. The state government has issued a notification under statutory power. But let me remind you, Mr. Modi ordered the same inquiry on Godhra and made Mr. K.G. Shah first and then Nanavati a member of that commission. Same provision, same state notification. Now they are questioning it. Mr. Modi ordered another state commission of inquiry under the Act on corruption, alleged. There is also a provision that state governments can do so and central government cannot trespass and cover the same area or the same state. झारखंड में आपकी सरकार है, आप लॉयर भी हैं, सीनियर लॉयर हैं, एक जज की सरेआम जो है संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो जाती है, इस तरीके से आप देखते हैं थोड़ी सी? देखिए, ये किसी प्रदेश या किसी पार्टी की बात नहीं है। न्यायपालिका हमारे देश का एक जबरदस्त प्रथम स्तंभ है। किसी का भी खून हो बहुत ही सीरियस बात है, लेकिन अगर किसी जज का, जिसका आपने जिक्र किया, ऐसी हत्या होती है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जांच के पहले क्या कह सकते हैं आप जांच की मांग कर सकते हैं, आप जांच हो रही है उसके लिए संतुष्टि दिखा सकते हैं, और जब परिणाम आएंगे तो हम बिल्कुल आपसे अवगत होंगे। लेकिन मैं नहीं, जितने भी लोग हैं, सरकार हो, प्रदेश हो और हो, और मेरा जुड़ाव भी है इस स्तंभ से, ऐसी किसी हत्या के लिए तो सबसे कड़े से कड़े शब्द और भत्का भी कम होगा। थैंक यू सर।